तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो टिन में बटर पेपर अच्छे से लगा लिया है। पहले मैंने इसमें ऑयल लगाया था और इसमें बटर पेपर लगा लिया है, तो इसे हम साइड में कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो आप है ना एक पेपर पे लिख लीजिएगा कि कितना मेजरमेंट है, परफेक्ट मेजरमेंट होगा तो ही अच्छा ब्राउनी बनकर रेडी होता। तो आज हम एक अंडे से ब्राउनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे, तो ये देखिए 100 ml का कप, इससे मैंने लिया है। 250 ग्राम मैदा लेंगे यानी कि 2 कप। 125 ग्राम हम लेंगे डार्क चॉकलेट। 50 ग्राम हम शुगर लेंगे, तो ये 50 ग्राम का है यानी कि 1/2 कप। 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। 50 ग्राम कोकोआ पाउडर लेंगे। 125 ml मिल्क लेंगे। 1 अंडा लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लेंगे। हम चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है, तो इसमें हम डालेंगे दूध, शक्कर लेंगे और इसी में हम चॉकलेट डाल देंगे। तो आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी मेथड एकदम इजी है और आसानी से भी हो जाता है। तो चलिए इसे हम लगातार चलाते हुए रहेंगे। जैसे दूध गर्म हो जाएगा हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ये गर्म दूध में ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये अच्छे से दूध गर्म हो चुका है, अब इसी में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, बस इसे चलाते हुए रहना है। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट और शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए इसे अब हम साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो हमें मैदा और कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। तो हम इसे छान लेंगे। देखिए मैदे को और अच्छे से मैंने छान लिया है सारे इंग्रेडिएंट। तो ये जो हमने गर्म करके रखा था इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अभी ठंडा हो चुका है, तो गुनगुना है ये। अंडा डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो अच्छे से मैंने फेंट लिया है अंडे को इसमें, देख रहे हैं। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच वेनिला एसेंस। चलिए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। तो हमें ये 3 पार्ट में डालना है। टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी या फिर इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट कर देंगे टिन में जो हमने पहले से बटर पेपर लगा कर रखा हुआ है। चलिए अब हम इसे टैप कर लेंगे 2 से 3 बार। इसको हम अच्छे से फैलाएंगे। ओवन में रख देंगे, तो जिसको मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ है 15 मिनट पहले मैंने 160 डिग्री पर प्रीहीट करके रखा था। तो अब हम इसे ऑन कर देंगे और 160 डिग्री पर ही मैं इसको बेक करूंगी, क्योंकि मेरा जो ओवन है वो 26 लीटर का है, इसीलिए। तो 160 पे हम इसको 25 मिनट के लिए रखेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि ये नहीं हुआ है तो 5 मिनट के लिए मैं और इसे रख दूंगी। और रॉड जो है वो हमें नीचे का ही सिर्फ चालू करना है, मतलब ऊपर और नीचे का नहीं, मैं सिर्फ नीचे साइड का ही इसको चालू रखूंगी। तो ये बनकर तैयार है ब्राउनी। तो इसे अब हम इसे बटर पेपर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, ये देख सकते हैं आप।
चलिए ये बनकर तैयार है गर्मा गर्म ब्राउनी, जिसे हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ब्राउनी की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंची रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में जरूर याद रखिए।